सो इस टाइम हो रहा है 11, बहुत नींद आ रही है। सोचूं कि एडिटिंग सुबह कर लूँ, 7 बजे वाला व्लॉग कर लूँ 5 बजे, तो अलार्म लगा रही हूँ 5 बजे का। होपफुली सो जाऊँ, 5 बजे उठूँगी एंड फिर एडिटिंग करके फिर 7 बजे वाला स्केड्यूल करूँगी और 12 बजे वाला करूँगी। टिल देन गुड नाइट गाइस, हमारे घर चल रहा है चूहा। अभी अभी मैंने यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है एंड मुझे लग भी रहा था कि बेड पे कुछ चल रहा है। मैं उठी भी, मैंने बेड चेक भी किया एंड अभी फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 एंड मैं रात को सो गई थी अराउंड 11 बजे सो गई थी एंड उठी हूँ 2:30 बजे और फिर तब से एडिटिंग कर रही हूँ और 6 बजे एडिटिंग करते करते। और मेरे को लग ही रहा था चूहा है घर में, है घर में, सबके सब सो रहे हैं। सोच रही मैं डरा दूँ क्योंकि वो यहीं से गया बाहर। फ्रेंड्स ये देख लो, इसको खाना है पकोड़े तो खुद लगी पड़ी आलू करने में, वैसे कुछ पत्थर मारे चाहे ना मारे, बाप की बेटी हूँ ना। हाँ खुद खाना तो इसका बाप भी हिल जाता है, ये बाप की बेटी है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और दीक्षा जी की मॉर्निंग हो चुकी है चूहे से, चूहा देख के। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते चाय। दीक्षा तेरी बनानी है क्या? कल दू तो अभी तो चाय टाइम लगा, मैं अब चाय पीऊँ, अपनी बैठी नहीं पी मैंने अभी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपनी चाय बना ली, वो सिर्फ तेरी बाद में बना दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए चलिए चलिए। अब कहीं कहाँ चलिए राखी जी? कहीं नहीं चलिए, जहाँ अपने घरों में बैठे वहीं बैठे रहिए। तो चलिए मैं अपनी बना लेती हूँ चाय। चाय 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 चाय, तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊँ तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊं तुझे चाय 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 चाय। तो चलिए फ्रेंड्स कूट लेते हैं हिटलर हस्बैंड को, नहीं फ्रेंड अदरक को। ये देखिए अदरक कूट के डाल दिया मैंने, अब डाल देते हैं थोड़ी सी सौंफ। और अब लेके आते हैं फ्रिज में से लेमन ग्रास। दूध तो बॉईल करने रख देते हैं, दूध भी आ गया। लेमन ग्रास भी डाल दिए, देते हैं पत्ती। चाय पके जा रही है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरी करवा चौथ की वाली साड़ी कहाँ से ली, तो मैंने वो फ्रेंड्स कलकत्ता से ली थी और मैंने दिखाई भी थी जब मैं गंगा सागर गई थी। तो मैंने तैयार नहीं कराई थी लेकिन अभी कराई है करवा चौथ के लिए तैयार। तो ये है इसका जवाब, तो मैंने कलकत्ता से ली थी 3 साड़ी, 2 अभी रखी हुई हैं, 1 ही तैयार कराई है। और एक साड़ी मैंने पूछी भी थी किसी को लेनी है, तो क्योंकि वो कुछ कुछ साड़ी जो है वो सिमिलर आ गई है मेरे पास ऑलरेडी, वैसे उस टाइप की साड़ी है। तो मैंने बोला था किसी को लेनी है तो ले लीजिए, किसी ने ली नहीं तो वो भी मेरे पास रखी हुई है। गाइस दीक्षा को मैंने छील दिए और कट कर दिए अपनी 1 लाख की टेबल पे आलू पकौड़ों के लिए। बड़ा मन कर रहा है मम्मी चटपटे बेसन में ना बढ़िया से मिर्च मसाले डालना, चटपटे बनाना एकदम। एंड मम्मी को भी चूहा दिख गया है, दीक्षा गुरु जी के पैर ऊपर है। दिखे चटपटे मुझे नहीं आते, फिर तू ही बना ले। जब से तू इधर ही लाइट जली तब से उठी हुई, तब से मैं भी उठी हुई, तेरी लाइट से मेरी आंख खुल गई। मेरी लाइट पता है कितने बजे से? मैं तो 5:38 सो रही हूँ। उतर के आ गई और चूहा बाजार मार्केट में घूम रहा। चूहा मेरी लाइट 2:30 बजे से चल रही है, तो तू बाहर आके सो जाती ना सोफे पे। फिर मेरे पैरों में दर्द हुआ, मुझे नींद नहीं, बेचैनी होगी 5:38 पे। फिर मैं बाहर आके एसी चला के सोई, इतनी गर्मी थी, फिर बाहर जाके थोड़ी नींद आई है मेरे को, फिर मैं बाहर सोई हूँ। अभी जाके अंदर सोई थी, फिर कृष्णा आ गई। भावेश सिर्फ तेरे लिए आज प्याज और आलू के पकौड़े बनवा रही हूँ, स्पेशल सिर्फ भाई के लिए और कोई नहीं खाएगा। आलू प्याज और पनीर के सिर्फ मेरा भाई खाएगा।
मैं तो खाऊंगी ही नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ भाई के लिए आलू काटे हैं मैंने। भैया तुझकी अभी से तैयारी है, आपको कैसे पता चला? पैदा करा तुझे मैंने, तेरी नस्ल जानती हूँ मैं, आलू भी काट के मैंने छील के। आज नहीं है अभी से है कि भावेश गोयल पैसे जोड़ ले, तैयारी है। एक बोलो भाई दूज की अंगूठी दिला दे मेरे को, आपका बेटा बेचारा लूट ले गरीब आदमी। हाँ कोई ना गरीब लूट ले उसको, अपने बाप को बोलना हमारे पापा देते थे सब चीजों के, भाइयों ने कभी ना पत्थर मारे। जा से उभी दो वही तो डिमांड हुई है। मम्मी तुम्हारा मेकअप अभी तक लगा हुआ है सारा, नहाने जा ना के भी लगा रहेगा मुझे इतना भी विश्वास है। सो गाइस स्वीट मॉम की दूसरी चाय का वो लग गया दाढ़ा, और मेरे पापा को होती रहती चाय इतनी चाय इतनी चाय, खुद दूसरी चाय चालू हो गई है, फिर नाश्ते के साथ अलग चाय लेंगी पकोड़ों के साथ। नहीं मैं नहीं लूंगी। मम्मी सुनो पकोड़ों का बेसन चटपटा बनाना एकदम। दीक्षा तू खुद बना ले मिर्ची मुर्ची डाल के, सुबह पता चलेगा फिर जब वो मिर्ची निकलेंगे। नहीं बट मैं वैसे बता रही हूँ चटपटा बनाना, क्योंकि पापा ने खाना नहीं है, मैंने और भावेश ने खाना है। भावेश कम चिलत रही है, चूहा है गाइस हमारे घर पे, पता नहीं कहाँ है, है जरूर। अब मिलेगा अब पकड़ लेना चूहा, मेरे को दिखा तू निकाल बाहर उसको। मम्मी दिखाना जरा अपने पति देव जी को चूहा। पांच दफा रात को चार दफा टॉयलेट गया हूँ मैं, मेरे को मिल रहा है नहीं। आप लोगों के कमरे में नहीं आता चूहा मेरे हिसाब से, वही वही घूमता है। मैं लेटी हुई हूँ पापा मम्मी के रूम में, ब्रश व्रश कर लिया है, अब आराम से करेंगे, मम्मी नहा लेंगी फिर करेंगे नाश्ता, एंड बहुत सारी कल की भी सब्जियां बची हुई तो वो मैं दोपहर या रात को खा लूँगी। हाँ हाँ, और मन कर रहा है टिम हॉर्टन्स जाने का। टिम हॉर्टन्स मतलब इतना टाइम हो गया दिल्ली में खुले हुए, बट मैं कभी भी नहीं गई, तो वृत्ति के साथ प्लान कर रही हूँ टिम हॉर्टन्स चलते वृत्ति एंड राधिका दी के साथ, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। एंड हमस एंड पीटा ब्रेड आजकल इतनी ज़्यादा चल रही है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने खाई है या नहीं, बट मैंने खाई है एंड मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई है, आप लोग भी ट्राई करना हमस एंड पीटा ब्रेड। मम्मी मैंने ना हमस की रेसिपी देख ली है, छोले भिगो देना हमस बना, हमारा वाइट तिल है सफ़ेद तिल और ऑलिव ऑयल और भुना जीरा, जीरा डलेगा उसमें थोड़ा सा, हम बस बनाएंगे पीटा ब्रेड बाहर से ले आएंगे। चुप रह दू, चुप रह दू, तेरे अंदर ही कीड़ा नहीं है बस, बाकी सब में कीड़ा है ना। चलिए गाइस एंजॉय करते हैं अपने पकौड़े निकालते हैं सॉस, टाइम हो रहा है 10:30। चटनी भी है पापा में, अभी चल रहा है ब्रेक, हरी चटनी भी है, ये कैसे हो गया? तो एंजॉय करते हैं अपना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट। आधा पकौड़े खिलाए अरे वो प्रियंका का लिफाफा दे दे, दीक्षा पहले लिफाफा दे दे प्रियंका का, इसको रुक जा लेट हो, मैं तो बोल रही हूँ खा ले ये गाइस। हाँ मैंने भाभी को बोल दिया नवंबर को, ये प्रियंका का लिफाफा दे दो, ये भाभी को दे दियो, ठीक है बोल दे वही चल दो, कर लेंगे उससे प्लान आउट कर लेंगे तभी। सो गाइस भाभी यहाँ से आया है बाय ना, सो इधर हो रहे हैं गोपाल जी रेडी, तेरे को तो दीक्षा एक काम बोलना, ऐसा जोर पड़ता है आपने बोलो इतने 50 किलो के ना, ये तो मैं थक गई है, 4-5 उठा के लेके आई हूँ। बेटे ने क्या किया है? बेटे को लाया उठा के, हिला लिया करो थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये लग रहा है हमारे पौधे, बागवानी जी कर रहे हैं बागवानी, फ्रेंड्स ये कड़ी पत्ता लग रहा है खत्म हो गया था मेरे यहाँ कड़ी पत्ता, देखो अभी वो सफाई करके गई है, ये गंद मच जाएगा, लगा लगा गंद मच जाएगा वो। कितने कितने के दिए पौधे?
100 रुपए का ये भी है कड़ी पत्ता शायद। और दीक्षा गोयल जी 12 बजे ही नहा लिए हैं और घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। आज आंटी लेट आई थी और आज आंटी का फर्स्ट डे था हमारे घर पे, तो हमने बर्तन वाली अलग लगाई है। बर्तन वाली हमारी वो लगी हुई है जो हमारी शॉप पे अनिल भैया थे ना, वो भी गांव गए हुए हैं, उनकी वाइफ बर्तन कर रही है हमारे घर, एंड सफाई के लिए कोई और आंटी लगी हुई है, तो घर एकदम नीट क्लीन। जैसे ये लोग कटाई फटाई छटाई कर रहे हैं दोनों के दोनों माँ बेटा, कोई तो करेगा। एडजस्टमेंट साफ हो गया आज बाथरूम का? तू बोल रहा था तू करेगा। अच्छा। तो हमने माली बुलाए हुए हैं, भावेश गोयल और राखी गोयल, माली बढ़ई, वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुक और क्या क्या सब भावेश के अंदर है। मेरे अंदर क्यों नहीं आता कुछ है मम्मी है? ये सब भावेश के दिमाग में क्यों आ गई इंटेलिजेंस सारी? मेरा भगवान से बस एक ही क्वेश्चन है कि मेरे अंदर भावेश जितना 10% भी क्यों नहीं दिया। अभी लोग मुझे इग्नोर कर रहे, ठीक है कर लो अपने काम। मेरे बेड पे ना आज ये पड़ा रखा हुआ था एंड चूहिया मेरे बेड पे चढ़ गई और एकदम ऐसे भागी, मुझे लगा कुछ तो गया है, मेरे को था क्या चूहियां हो गई, अब तो चूहियां आनी बंद हो गई है। एक घंटे बाद मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई, मेरे रूम का गेट बंद, बंद गेट में मेरे रूम के अंदर से बाहर चली गई। मैंने कहा शिट हमारे यहाँ पे चूहिया है, बट अब चूहियां निकल चुकी है। मैं आपको व्लॉग में दिखाना चाहूंगी कि ये देखो वैष्णो देवी बोल रही हूँ, झंडे वाले जब मैं रोज गई हूँ तो नंगे पैर चलना होता है, वहां पे मिट्टी होती है, तो मेरे फुट्स पे सारा क्रैक आ गया था एंड अभी तो ये बहुत बेटर हो गया सिर्फ और सिर्फ ये यूज करके। तो मैंने ये मंगाया था, अब मैंने आज फर्स्ट टाइम ही मैंने इसको यूज किया, तो फर्स्ट टाइम यूज करने पे देखो मेरी स्किन कितनी प्लेन हो गई, सारी डेड स्किन रिमूव हो गई है। अब मैंने इस पे क्रीम लगा ली है एंड अब मैं इसको रोज इसको यूज करके डेड स्किन रिमूव करूंगी। अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 40% चल रहा है इस पे, तो मैंने इसलिए मंगा लिया कि चलो भाई 40% चल रहा है तो मंगा लेते हैं, और मेरे फीट्स को वैसे भी नीड थी क्योंकि अब बहुत ज्यादा नंगे पैर चलना पड़ता है इसलिए। तो झंडे वाले मंदिर जा जाके मेरे पैरों की बहुत बुरी हालत हो गई है और मेरे लगी पड़ी रोज साफ करने में पैरों को। तो आप भी जिसके पैर मेरे पैर जैसे गंदे हैं तो वो मेरी लिस्ट में वो ये परचेज कर सकते हैं। ये बैटरी वाला इजीली चार्ज हो जाएगा एंड इसको बस बटन ऊपर करो तो ये रोलर घूमने लग जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, देखो ये ऐसे आता है, बस इसको ऐसे करो ये चल गया। और ये इसके साथ एक और अटैचमेंट डीवी एक्स्ट्रा पाइथन साहब की, ये खराब हो जाती है तो, और आप इजीली इसको प्रेस करके इसको निकाल सकते हो और दूसरी लगा सकते हो कुछ नहीं हुआ। चलो तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट अगर आपको परचेज करना हो तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि आप लोग मांगते रहते हो कि दीक्षा लिंक्स दे दिया करो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को लिंक दे दूं। अब मम्मी को कलावा पकड़ाओ, मैं तो सोच रही हूँ लेट ही उठ जाती इससे अच्छा। ये बॉल किसकी है? ये लो मम्मी, मैं तो सोच रही हूँ इससे अच्छा लेट ही उठ जाती, जल्दी उठ के तो तीर ही मार रहे हो। चलो बाय मम्मी, आप भी तो, मैंने अपनी एड़ियां साफ करनी है, अब आप मेरी एड़ी फिर गंदी करा दो। मम्मी जो कल आपने वो रिंग पहनी हुई थी ना बड़ी वाली, वो दिखाओ जल्दी। और प्राइस कितना था? वो तो 100-150 रुपए की लाए थे ना, गाजियाबाद से सस्ती शॉप मिल गई थी, शोरूम टाइप। हाँ। एक बार रिंग दिखाओ फटाफट, लोग कह रहे हैं क्लोजअप शॉट। सो दिस इज द रिंग जो कल स्वीट मॉम ने पहनी हुई थी और ये सिर्फ और सिर्फ 100-150 रुपए की रिंग आई थी। तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आंटी ने कौन सी रिंग पहनी हुई है, तो करवा चौथ साड़ी के साथ मम्मी ने ये वाली रिंग वेयर की थी गाइज। ये गाजियाबाद से ली थी, आई गेस राधी बहन की शादी के आसपास ली थी, 2 साल हो गए शायद इस रिंग को लिए हुए। राधिका की शादी के आसपास ली थी मम्मी, देव की शादी के आसपास, तब भी 2 साल ही हो गए देव की शादी को भी। तो ये बहुत ही सस्ता शोरूम, कहाँ पे था वो? झूठ बोल रही है, मम्मी को पता है गाइस।
ओ गुलाब जामुन भेजे हैं भाभी ने, भाई ने। ओहो मैं खा सकती हूँ ना? तुम सब खा सकते हो, तुम्हारा तो नंद का रिश्ता बड़ा। हटरी क्या बोलते हैं इसको, हटरी करो। हटरी तो वो होगी चार पहियों वाली, हटरी वो होती है, वो मंदिर से बना होता है। संतरे हैं, सिंगाड़े हैं, खाओ। मजे आ गए मम्मी के तो, मजा आ गया खाके। मेरे सारे डब्बे आके खोल देता है। दिशा खूब नोट चुक रहे तू, खूब खूब यूज मत करना फिर, मैं तो पुट लूंगी खूब। मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं क्या यूज करूंगी। खूब बत्ती दे ले नोटों में। ये देखो 2-in-1 फेस एंड बॉडी का, ये सब यूज करके मैं रिव्यू दूंगी आप लोगों को। ये भावेश को क्रेज रहता है पहले मेरे प्रोडक्ट्स का। ये कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट मंगवा रही है, तू ऐसे खुश होके खोल रहा है, ये सारी पेमेंट तेरे कार्ड से जा रही है। भावेश कह रहा है ऐश कर। अरे ये तो कुछ मकड़ी के जाले से लगे हो ऊपर। इस जाले को हटा दो। दीक्षा क्या क्या मंगवाती रहती है तू भी, तो क्यों क्रेजली देख रहे हो फिर मेरा ऑर्डर? क्रेजली देख रहे हो, इतना महंगा पैसे फूके तूने, आया क्या इतने महंगे में? अरे भैया ढंग से खोल, इतने महंगे में आया क्या ये? अरे ये गिफ्ट पैकिंग मंगवाई थी मैंने दिवाली के लिए। ये तो लोशन है हमारे यूज करने के लिए, दीक्षा ये तो खुद ने मंगाई है, मेरे को कह रही है। ये शावर जेल है, बॉडी वॉश शावर जेल, ये बॉडी स्क्रब है, शावर जेल है, ये बॉडी मिंट है, मिस्ट मिस्ट मिस्ट। ये क्या है, स्क्रब स्क्रब। तुम कह रही हो ये मंगवाया, ये भी स्क्रब मंगवाया, ये भी स्क्रब मंगवाया, तीन स्क्रब क्यों मंगवा लिया? चार जने हैं ना यूज करने वाले, कोई किसी की स्क्रब में उंगली नहीं मारेगा। ये पूरा बॉक्स मेरा है। ये भी स्क्रब बता रही है मम्मी, इसमें कह रही है इसमें भी एक स्क्रब है, फेस पैक। भाभी तो छोड़ दे मेरे प्रोडक्ट्स, भाग जा दे मम्मी, इसको बोलो शॉप पे जाइए। और भाभी चले डब्बे ले जा, मम्मी वो डब्बे भी दे दो, हमें नहीं पता, रख दे मम्मी, दे दो उसको अभी, फिर ऊपर फैला रहेगा।